हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए दीदी बर्तन धो गई थी इस साइड के, तो कल के बर्तन इसको जमा रही हूँ धीरे धीरे। और सुबह से मेरा रूटीन चालू हो गया है, सुबह उठ गई हूँ तो और धीरे धीरे करके पूरे बर्तन जमा रही हूँ। और बर्तन जमाने के बाद इनको जगाऊँगी। जगाने के बाद अब देखिए चाय बना रही हूँ। तो सुबह सुबह मेरा यही रूटीन रहता है कि शाम वाले बर्तन जमाना, उसके बाद जगाना इनके लिए, फिर उसके बाद चाय बनाना, उसके बाद खाना में लग जाना, क्योंकि इनके 10 बजे ऑफिस निकलना पड़ता है। तो मुझे 8:30-9 बजे समथिंग खाना बनाना चालू करना पड़ता है कि मेरा पूरा खाना कंप्लीट बन जाए। तो ये देखिए चाय छान रही हूँ इनके और अपने लिए, क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं। और ये चाय दीदी के लिए रख दी हूँ, काम करने जो आती हैं उनके लिए चाय रख देती हूँ थोड़ा सा, तो वो सुबह सुबह सही रहता है। तो ये देखिए मेरी चाय बन के कम्प्लीट हो गई है। और इस साइड में मैं दाल पालक बना रही हूँ और चावल भी बना रही हूँ। तो इस साइड पालक के पत्ते को धीरे धीरे करके काट रही हूँ। और मैं कोई कोई क्या करता है कि कढ़ाई में पहले तड़का लगाता है, फिर पालक फ्राई करके फिर दाल डाल देता है दाल को बना के। और मैं क्या करती हूँ कि दाल में ही पालक को छोटा छोटा पहले स्लाइड में काट लेती हूँ, उसके बाद उसको कुकर में डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, फिर नमक हल्दी डाल के बनाती हूँ मैं। मतलब ऐसे बनाती हूँ, एक बार ट्राई करके आप ऐसे भी करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, ऐसे भी बनता है। और फिर बाद में इसका बाद में तड़का लगा दीजिए तो ये भी बहुत ही अच्छा बनता है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अब इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे हमारा। तो ये देखिए हमारी दाल बन के कम्प्लीट हो गई है। अब मैं इसको धीरे धीरे ऐसे फ्राई कर दूँगी। अब फ्राई करने के लिए प्याज, जीरा, राई, लहसुन सबका यूज कर सकते हैं। और कढ़ाई में तेल डाल के और उसके बाद फ्राई कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं दाल बना के फिर उसके बाद पालक के साथ फ्राई कर दीजिए, उसमें भी सभी चीज़ डलता है। तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, बट मेरे लिए सही लगता है क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बनाना पड़ता है और जल्दी भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे 10 बजे तक पूरा खाना कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए मैं फ्राई करूँगी। अब ये देखिए साइड मेरी दाल फ्राई हो रही है, तो इस साइड में अब चावल भी चढ़ा दूँगी जल्दी से, मेरा चावल भी बन के साइड तैयार हो जाएगा। तो 2 लोग के लिए बनता है, बट टाइम तो लगता है, चाहे आप 2 लोग को खाना बनाएं चाहे आप 4 लोग को खाना बनाएं, तो टाइम तो टाइम ही लगता है। तो इस साइड मेरी दाल फ्राई हो रही है और इस साइड मैं चावल चढ़ा रही हूँ। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर करिए आप एक बार, तो एक बार जाके विजिट करिए, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक और शेयर करिए। तो चलिए मेरा खाना बन जाए तक बन के कम्प्लीट हो रहा है। कहाँ गए डैडी, कहाँ छोड़ा है डैडी को भाई, कहाँ भगा दिया डैडी को। अच्छा लाइट का रोशनी आ गई। हेलो फ्रेंड्स, ये थोड़ी यार डॉक्टर के पास मिलना था, तो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो डॉक्टर के यहाँ का सूट नहीं कर पाए हैं, बस रास्ते का कर लिए हैं, थोड़ी सी बात करते हुए निकल रहे हैं, तो आज डॉक्टर के पास जाना था। तो ये देखिए मैं बाल भी छोटे छोटे कटा ली, क्योंकि बाल इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम, तो इसलिए मैं बाल भी कटा ली हूँ थोड़ा सा। गाड़ी रखा क्या, चलो छोटी गाड़ी उठा लाते हैं, गाँव से संडे को जाओगे, उस बार भी इंजेक्शन लगवा के ही चलते हैं घर, जरूरत पड़ेगी तो घनश्याम जेल ही जाएगा, अब बोल देना कि इसमें सब करवा दो, ठीक है। मतलब लो फ्यूल हो गया, डीजल डलाना पड़ेगा, आपको बताना चाहिए था ना। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए इतनी सारी सब्जी लेके आए हैं आज, आज सभी को फ्रिज में रख देते हैं। चलिए एक एक करके फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज खुलिए, बहुत देर से आवाज़ कर रही है। तो ये नींबू और ये इधर डाल देते हैं, इसमें रख देते हैं। और ये है कुंदरू, कुंदरू को यहाँ पे कर देते हैं। ये है बरबटी, जब बनाते जब हम धोते जाते हैं इन सबको, कि धो के नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या है ना इस समय मॉइस्चर का महीना है, अगर धो के रख देते हैं ना तो फिर इसमें गलन सी आ जाती है। ये टमाटर है, टमाटर हमने इसमें पलट के डाल दिया है। और ये हो गई भिंडी,
बचा गोभी, तो इन सबको पॉलीथीन में डाल देते हैं। ये है धनिया और परवल, तो परवल को भी इसी में डाल देते हैं। जब बनाएंगे इन सबको धोते जाएंगे धीरे धीरे करके। ये गोभी है, देखते हैं आती है इसके अंदर की नहीं आती है, नहीं आ रही है गोभी, तो इसको ऊपर वाले में रख देते हैं। ये ऊपर वाले में हमने गोभी डाल दी, अब डाल दिए पत्ता गोभी। किस में डालें, कभी भी सब्जी ना आप पन्नी में डाल के रखिए, इससे सब्जी अच्छी साफ रहती है। ये देखिए गोभी उधर रख दिए हैं, अब इसको डालते हैं पॉलीथीन में। ये देखिए मेरी पूरी फ्रिज जम गई, पूरे सब्जी रख दी। अब जब इनको बनाऊंगी तो सबको धोती जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए तो आलू और बैंगन के नॉर्मल सिंपल सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आए थे, फिर थक गए थे, फिर सो गए थे, फिर सब्जी वब्जी सभी को जमाया है, फिर इसके अब सब्जी बना रही हूँ। तो आलू बैंगन को आप फ्राई सब्जी बनाना चाहते हैं अच्छी तलीदार सूखी, तो आप इसको अच्छे तेज आंच में पहले से पका लीजिए, और पकाने के बाद इसमें फिर थोड़ा सा कस्तूरी मिर्च डाल दीजिए और जीरा राय डाल दीजिए। ऐसे ही देखिए मैं आटा पीस रही हूँ, ये हमारे घर की छोटी सी चक्की है। आप जैसे आटा पिसाने के लिए बाहर देते हैं या फिर आप आटा खरीदते हैं, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ी छोटी सी चक्की ले लीजिए और गेहूँ खरीद लिया करिए, क्योंकि आप इसको हर 15 दिन में ताज़ा आटा पीस सकते हैं, क्योंकि मार्केट वाला आटा कब का है क्या है पता नहीं चलता है। तो ये देखिए घर में ही मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ इनसे। कट्टू करता है, कोको को समोसा नहीं लाना आज, उसकी गलती मुझे कट्टू किया है। समोसा खाना है ना, कोको खाना है, उसको समोसा मत लाइएगा बिल्कुल भी, पहले से बैठ जाता है समोसा खाने। आज से कोको को समोसा वमोसा सब बंद, पनीर वनीर। सर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।